हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग HDFC बैंक, चाहे ICICI बैंक, चाहे एक्सिस बैंक का कार्ड अप्लाई कर लेते हैं, उनका वेरिफिकेशन हो जाता है और वेरिफिकेशन होने के बाद भी उनका कार्ड इन प्रोसेस शो करता है अप्रूव। कब तक हो जाएगा ये सवाल देखो पूछे हैं हमें ईमेल करके, तो इनका तो जवाब हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये बताए हैं कि आप इसके लिए हमें वीडियो बनाकर दीजिए। तो देखिए, आप लोग जो बोलते हो हम उसी के बिहाफ पे आप लोगों को वीडियो देते हैं, तो मैं सारी रिसर्च करके फ्री में वीडियो बनाता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कर लेना। चलिए आपको बात करते हैं इसी के टॉपिक के ऊपर कि आपका अगर वेरिफिकेशन होता है तो कैसे ये काम करता है। हमारा जब कार्ड अप्रूव होने के लिए जब हम अप्लाई करते हैं बैंकों में, तो बैंक आपका दो तरीकों से वेरिफिकेशन करता है। एक तो वीडियो KYC, दूसरा वेरिफिकेशन होम वेरिफिकेशन करता है फिजिकल तरीके से। वीडियो KYC में आपका, जैसे कि बैंक को लगता है कि इसका सारा रिकॉर्ड प्रोफाइल हिस्ट्री अच्छा है, तो वीडियो KYC करके बैंक उसी समय स्टॉप कर देता है और अप्रूवल के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट चले जाते हैं। इसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं अप्रूवल के लिए, तो वहां पे सारी आपकी हिस्ट्री चेक होती है और वहां पे अगर सब कुछ सही रहा तो कार्ड जो आपका 2 से 3 दिन में कार्ड आपका अप्रूव हो जाता है। अगर आपके प्रोफाइल हिस्ट्री में, आपके लेन देन में, सिविल में कोई प्रॉब्लम है, या आपके ऊपर अधिक कर्ज है, या आपने अधिक लोन लिया है, या आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ज्यादा हो चुका है, तो बैंक उसे आपके पैन कार्ड से ट्रैक कर लेता है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है बैंक उसे उसी समय होल्ड करके रखता है और बैंक इंतजार करता है कि ये पर्सन का ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो हम फिर से रिव्यू करके इसे अप्रूव कर देंगे। कुछ बैंक उसी टाइम डिक्लाइन कर देते हैं, कुछ बैंक उसे एप्लीकेशन को होल्ड कर देते हैं और उसको चेक करते रहते हैं, जैसे कि बीच बीच में देखते रहते हैं और आपके जो कि वेबसाइट है वहां पे अपडेटिंग करते रहते हैं कि आपका कब तक अप्रूव हो जाएगा। वैसे इन प्रोसेस का मतलब कि आपका काम चालू है, तो बैंक ये सब चीजें देखता है, इसके बिहाफ पे आपका कार्ड अप्रूव होता है। तो मैक्सिमम आपका 3 दिवस लगता है और अगर आपके प्रोफाइल हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो 1 मंथ से लेकर 2 मंथ 3 मंथ भी लग जाते हैं, किसी किसी टाइम आपका डिक्लाइन भी कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका वीडियो KYC का पूरा प्रोसेस। अब आता है कि आप अगर होम वेरिफिकेशन होता है तो होम वेरिफिकेशन में क्या होता है। होम वेरिफिकेशन में बैंक अपने तरफ से एक टीम भेजती है, वो भी एक एजेंसी रहती है, वो भी जैसे कि बैंकों से टाइप रहती है। बैंक जैसे कि आप देखते हो फ्लिपकार्ट, एमेजोन से आपका फ्लिपकार्ट का ई कार्ड जुड़ा है, कोई भी अगर पार्सल आप ऑर्डर करते हो, उसे कैंसिल करते हो या उसे आप वापिस करते हो, तो ऑटोमेटिक सारा काम होता है। इस तरह बैंक का एक टीम रहती है, वो आईडी और पासवर्ड से जुड़ी रहती है और उनके बिहाफ पे उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उनके पास एक मेल भी जाएगा, उसी के बिहाफ पर करते हैं। बैंक ऑफिसली किसी को कॉल करके ये नहीं बोलता है, उनकी टीम ही रहती है। जिस तरह कुछ एजेंट होते हैं आईडी और पासवर्ड लेके कार्ड अप्लाई करते हैं, उस तरीके से ये लोग भी काम करते हैं। और इन लोग एक ही बैंक का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, अलग अलग बैंकों का लेके रखते हैं और इनको सैलरी मिलती है मंथली बेस पे। तो अब यहाँ पे सवाल आ गया कि जो वेरिफिकेशन होम में या ऑफिस में आकर करते हैं ये कैसे काम करता है। जब आपके एप्लीकेशन सबमिट होता है, अगर बैंक को शक नहीं हुआ तो बैंक आपका जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएगा, घर पे बंदा आएगा तो आपका होम का घर का फोटो पिक करेगा। आपके अगर उसे डाउट रहेगा, उसे बोला जाए कि आप ऑफिस का कर लेना, तो ऑफिस का भी वो करेगा। इसके बाद आपका एक सिग्नेचर लेगा, आपके घर में कोई गार्जियन होगा तो उसका भी आपसे जो सिग्नेचर है उनका भी लेगा। ये सारी चीज करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है पूरा एकदम कंप्लीट हो गया और सबमिट हो जाता है। अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज जाता है बैंक के पास, तो बैंक चेक करेगा, रिव्यू करेगा और आपकी अगर सारी चीज सही रहेगी तो आपका अप्रूव हो जाएगा 3 वर्किंग डे में। और ये हर बैंक का रूल्स है, ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक का अलग है, SBI का अलग है। अगर सब कुछ सही रहा तो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सबमिट होने के 2 से 3 वर्किंग दिवस में कार्ड आपका अप्रूव जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम रहा, कोई दिक्कत रहा, तो थोड़ा से और टाइम लगता है।
कुछ बैंक वाले तुरंत ही डिक्लाइन कर देते हैं, एप्लीकेशन आपका सबमिट हुआ, वेरिफिकेशन जो है हुआ आपका, और उसके नेक्स्ट डे या टू डे आपका डिक्लाइन कर देते हैं। कुछ बैंक लोग नहीं करते हैं, उसको सुधार करते हैं, देखते हैं सुधर गया तो फिर से हम इसे अप्रूव कर देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, चाहे आपका HDFC बैंक हो, चाहे आपका SBI बैंक हो, चाहे आपका कोटक बैंक हो, सेम प्रोसेस सारे बैंकों में होते हैं। और आपका जो काम होता है इसमें सबसे अच्छा थोड़ा से आपका HDFC बैंक करता है, कुछ प्रोफाइल में कमी रहती है तो उसको होल्ड करके रखता है। एक्सिस बैंक भी आता है, जल्दी डिक्लाइन नहीं करता है, बाकी तो और बैंक भी हैं तो थोड़ा से देखते हैं। तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन का काम होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि कार्ड हमारा अप्रूव होने के लिए कहाँ जाता है। ये बैंकों का एक मेन ऑफिस होता है, समझे ना, जहां पे सारा काम होता है। जैसे HDFC बैंक का चेन्नई जाता है, अलग अलग किसी किसी का अहमदाबाद गुजरात जाता है, वैसे तो अधिकतर गुजरात ही जाता है, तो यहाँ पे लोग अपना जो है एरिया वेरी करते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होता है कार्ड का, तो शायद आप समझ चुके होंगे। तो अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ तो मेरा सपोर्ट करो प्लीज। देखिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी वीडियो लाकर देता रहूंगा, और आप लोग का प्यार दुलार बना रहेगा तो ऐसी काम भी करता रहूंगा। तो प्लीज एक लाइक करना दोस्तों, मेरे शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।